मित्रों, महर्षि वाल्मीकि ने युगों पहले मूल रामायण की रचना की थी, जिसमें भगवान विष्णु के सातवें अवतार श्री राम की लीलाओं का वर्णन है। समय के साथ कई भाषाओं में वाल्मीकि रामायण के कई संस्करण लगभग 300 से अधिक रचे गए, लेकिन 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को जो प्रसिद्धि और सम्मान मिला, उसकी कोई तुलना नहीं है। आज 90% घरों में रामचरितमानस ही उपलब्ध है, अर्थात इसकी तुलना में मूल वाल्मीकि रामायण का प्रसार उतना नहीं है। साधारण शब्दों में रचित होने के कारण रामचरितमानस की कहानियां जन जन में प्रचलित हैं। इसमें वर्णित सभी घटनाओं से हमारा गहरा संबंध है, लेकिन अगर पुस्तक के रूप में देखा जाए तो रामचरितमानस में कई ऐसी घटनाएं हैं जो मूल वाल्मीकि रामायण से मेल नहीं खाती हैं। इसका कारण है कि रामचरितमानस लिखने से पहले तुलसीदास जी ने उत्तर और दक्षिण भारत में प्रचलित रामायण के कई अन्य संस्करणों, विशेषकर अध्यात्म और आनंद रामायण का अध्ययन किया था। यही कारण है कि उनकी कृतियों में कई ऐसी घटनाएं हैं जो मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं है। इस कारण वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीदास कृत रामायण में कई बड़े अंतर हैं। तो आइए जानते हैं 10 खास बड़े अंतर। पहला, काल का अंतर। मित्रों, पहला अंतर तो इन दोनों के नाम के अर्थ में ही है। रामायण का अर्थ है राम की कथा या मंदिर, जबकि रामचरितमानस का अर्थ है राम के चरित्र का सरोवर। मंदिर में जाने के कुछ सब नियम होते हैं, इसलिए वाल्मीकि रामायण पढ़ने के भी कुछ नियम होते हैं। इसे किसी भी परिस्थिति में नहीं पढ़ा जा सकता। इसके विपरीत रामचरितमानस को लेकर कोई विशेष नियम नहीं है। इसमें एक सरोवर की भांति स्वयं को पवित्र किया जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के जीवन काल में ही रामायण की रचना की थी, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को मध्यकाल यानी कि विक्रम संवत 1631 अंग्रेजी वर्ष 1573 में लिखना शुरू किया और विक्रम संवत 1633 यानी 1575 में इसे पूरा कर लिया। दूसरा, भाषा में अंतर। देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण संस्कृत भाषा में लिखी, जबकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में ही लिखा है। हालांकि रामचरितमानस की भाषा को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। कुछ लोग मानस की भाषा को अवधी और भोजपुरी का मिश्रण मानते हैं। मानस की भाषा को बुंदेली मानने वालों की संख्या भी कम नहीं है। तीसरा, कथा के आधार में अंतर। मित्रों, महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम के जीवन को अपनी आंखों से देखा था। उनकी कहानी का आधार स्वयं राम जी का जीवन था, जबकि तुलसीदास जी ने रामायण सहित कई अन्य रामायणों के आधार पर रामचरितमानस लिखा। यह भी माना जाता है कि उनकी मदद स्वयं हनुमान जी ने ही की थी। चौथा, श्लोक और चौपाई। मित्रों, रामायण संस्कृत काव्य भाषा में लिखी गई है, जिसमें सर्ग और श्लोक हैं, जबकि रामचरितमानस में दोहों और चौपाइयों की संख्या अधिक है। रामायण में 24,000 श्लोक और 500 सर्ग और 7 कांड है। रामचरितमानस में श्लोकों की संख्या 27, चौपाई संख्या 4608, दोहों की संख्या 1074, सोरठा की संख्या 207 और 86 छंद है। पांचवा, रामायण से ज्यादा प्रचलित है रामचरितमानस। देखिए, वर्तमान समय में वाल्मीकि कृत रामायण को पढ़ना और समझना बहुत कठिन है, क्योंकि इसकी भाषा संस्कृत में है, जबकि रामचरितमानस बोलचाल की भाषा में ही लिखी गई है। जनमानस की इसी भाषा के कारण रामचरितमानस का पाठ सर्वत्र प्रचलित है। छठा, राम के चरित्र का अंतर। मित्रों, वाल्मीकि कृत रामायण में राम को एक साधारण लेकिन उत्तम पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि रामचरितमानस में पात्रों और घटनाओं का अलंकारिक चित्रण किया गया है। इस चरित्र चित्रण में तुलसीदास जी ने हिंदी भाषा के अनुप्रास, अलंकार, शांतता और वीरता का प्रयोग किया है। इसमें तुलसीदास जी ने भगवान राम के हर रूप का चित्रण किया है। रामचरितमानस में सिर्फ राम को ही नहीं बल्कि रामायण के हर पात्र को महत्व दिया गया है। तुलसीदास जी ने राम के चरित्र को एक महान नायक और महाशक्ति के रूप में चित्रित किया है। सातवां, घटनाओं में अंतर। देखिए, वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में घटनाओं में कुछ अंतर है। जब जनकपुरी के उद्यान में श्रीराम और सीता एक दूसरे को देखते हैं, तो सीता जी भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि उनका विवाह श्रीराम से ही हो। यह प्रसंग तुलसी कृत रामचरितमानस में है, ना कि वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस में धनुष प्रसंग का अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। अंगद के पैर ना हिलना, हनुमान जी का सीना चीर कर राम सीता की तस्वीर दिखाना, अहिरावण की घटना केवल तुलसी के रामचरितमानस में ही मिलती है। वाल्मीकि रामायण में इंद्र द्वारा
द्वारा भेजे गए मातली राम को बताते हैं कि रावण का वध कैसे करना है, जबकि तुलसी के रामचरितमानस में यह प्रसंग नहीं मिलता। जिस समय अत्यधिक पीड़ा के कारण रावण सीता जी के बारे में नहीं सोच रहा हो, उस समय उसके हृदय पर प्रहार करके उसे मारना, इसका उल्लेख विभीषण ने तुलसी के रामचरितमानस में किया है, लेकिन रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में रावण की तपस्या आदि का विस्तृत वर्णन है, जबकि तुलसीकृत रामायण में नहीं है। विश्वामित्र द्वारा दशरथ से राम को राक्षसों के वध के लिए मांगने का प्रसंग भी तुलसीकृत रामायण में भिन्न मिलेगा। विश्वामित्र जी से बला और अति बला नामक विद्या की प्राप्ति का वर्णन भी तुलसीकृत रामायण में नहीं मिलेगा। ताड़ का वध प्रसंग भी थोड़ा अलग है। कैकेयी के वरदान का वर्णन भी दोनों में अलग है। जब भरत श्री रामचंद्र जी को लेने वन में जाते हैं तो राजा जनक भी वहां पर आ जाते हैं। तुलसीकृत रामायण में जनक का उल्लेख नहीं मिलता। इसी तरह और भी कई प्रसंग है मित्रों, जो या तो तुलसीकृत रामचरित मानस में नहीं है या अलग रूप में दिखाए गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखने से पहले उत्तर और दक्षिण भारत की सभी रामायणों का अध्ययन किया था। वही प्रसंग उन्होंने रामचरित मानस में रखा जो महत्वपूर्ण था। कहते हैं दोस्तों कि रामायण में जो वाल्मीकि नहीं लिख पाए उन्होंने वह अध्यात्म रामायण में लिखी थी। तुलसीदास जी ने कुछ प्रसंग अध्यात्म रामायण से भी उठाए हैं। आठवां, रामायण और रामचरित मानस का अर्थ। देखिए, रामायण का अर्थ है राम का मंदिर, राम का घर, राम का दरबार या राम का मार्ग, जबकि रामचरित मानस का अर्थ है राम के चरित्र का सरोवर, राम के मन का सरोवर। रामचरित मानस को राम दर्शन भी कहा जाता है। नौवा, ऋषि और भक्त की लिखी रामायण। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के प्रशंसक अवश्य थे, लेकिन वे भगवान शिव के भक्त भी थे। यह रामायण उन्होंने शिव की सहायता से ही लिखी थी, जबकि तुलसीदास जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे और उन्होंने स्वप्न में भगवान शिव के आदेश पर राम भक्त हनुमान की सहायता से रामचरित मानस लिखी थी। दसवां कांड। देखिए, वाल्मीकि की रामायण 7 कांडों में लिखी गई है, जिन्हें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने भी रामचरित मानस को 7 कांडों में विभाजित किया है। हालांकि तुलसीदास जी ने युद्ध कांड का नाम बदलकर लंका कांड रखा है। यह रामायण और रामचरित मानस के प्रमुख अंतरों में से एक है। रामचरित मानस में दशरथ और कौशल्या को मनु एवं शत्रुपा एवं कश्यप एवं अदिति का अवतार बताया गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भगवान शंकर के पिनाक धनुष का वर्णन है जिसे श्री राम ने तोड़ा, किंतु रामचरित मानस में उसे केवल शिव धनुष कहा गया है। रामचरित मानस में रावण और बाणासुर के स्वयंवर सभा में आने का किंतु बिना धनुष छुए चले जाने का वर्णन है, जबकि रामायण में ऐसा नहीं है। रामचरित मानस में शिव पार्वती और अन्य देवताओं का रूप बदलकर श्री राम और सीता के विवाह में आने का वर्णन है, जबकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता।